मैच शुरू होते ही बवाल शुरू, क्या जडेजा ने की बॉल टेम्परिंग, क्या 5 विकेट लेने के पीछे बॉल से छेड़छाड़, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लगाए आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हो और बवाल ना हो, ये कोई नई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का ये पुराना मिजाज रहा है, वो मैदान के अंदर और या फिर मैदान के बाहर स्लेजिंग करने से बाज नहीं आता। और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, देखिए फिर से शुरू हो गई कॉन्ट्रोवर्सी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल सीरीज के पहले मैच का पहला दिन था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को पहले ही दिन समेट दिया। नागपुर टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, चोट के बावजूद वापसी करते हुए उन्हें 5 विकेट मिले। नतीजतन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रन पर सिमट गई। अब पहले दिन के खेल को लेकर जडेजा से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है। ऐसे में बवाल मचा हुआ है कि क्या जडेजा के 5 विकेट्स के पीछे बॉल से छेड़छाड़ वजह है। वीडियो में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के फॉक्स क्रिकेट चैनल ने रविंद्र जडेजा का वीडियो शेयर किया है। इसमें जडेजा अपनी उंगली पर कुछ लगाने के बाद गेंदबाजी करते हुए नजर आए। वीडियो में नजर आया कि गेंद फेंकने से पहले जडेजा मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं, उनसे कुछ लेते हैं और उंगली पर लगाते हुए देखे जा सकते हैं। माइकल वॉन ने उठाए सवाल। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने फॉक्स स्पोर्ट्स का ट्वीट शेयर किया, लिखा कि वो अपनी उंगली पर क्या लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। जिस वक्त ये वीडियो बनाया गया तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 120/5 था। एलेक्स कैरी और पीटर हैंडस्कॉम बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान टिम पैन ने भी वीडियो को इंटरेस्टिंग बताया। इसी बीच बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि रविंद्र जडेजा की उंगली में दर्द था, उंगली को आराम देने के लिए जडेजा ने गेंदबाजी से पहले मरहम लगाया था। केपटाउन टेस्ट को भूल गई ऑस्ट्रेलिया मीडिया। वैसे बॉल से छेड़छाड़ का ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का इतिहास लंबा रहा है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में गेंद से छेड़छाड़ के आरोप में स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1 साल का बैन लगा दिया था। वहीं कैमरून बैनक्राफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगा था। जाने क्या है सच्चाई। आईसीसी के नियमों के मुताबिक गेंदबाज या फील्डर गेंद पर कुछ भी नहीं लगा सकता और ऐसा करना बॉल टेम्परिंग की श्रेणी में आता है। वीडियो में रविंद्र जडेजा ऐसा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फुटेज देखने से पता चलता है कि जडेजा ने अपनी उंगलियों को राहत देने के लिए मरहम लगाया था। अगर जडेजा को बॉल टेम्परिंग करनी होती तो वो बॉल पर क्रीम लगाते, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बेवजह इस मामले को तूल देने की कोशिश की।